कहते हैं अगर किसी इंसान को एक गलत चीज को पाने की जिद लग जाए और उसे लगता हो कि वो सही है तो उस इंसान से ज्यादा खतरनाक दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उस जिद को पागलपन में बदलते हुए समय नहीं लगता है। और क्या तुम्हें पता है कि उस जिद और पागलपन में कितना बड़ा फर्क होता है? बस इतना सा। हर नेम इज एबिगेल एंड दिस लेडी इज द विक्टिम ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट क्रूशियल एंड क्रीपियस्ट एक्सपेरिमेंट एवर डन ऑन एनी ह्यूमन, द एबिगेल प्रोजेक्ट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने इस लड़की की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी। तो आखिर क्या था ये एबिगेल प्रोजेक्ट और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इसकी शुरुआत की गई, जिसने एक ऐसी दिखने वाली लेडी को एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर बना दिया। ईयर 1945, दिस वॉज द टाइम जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस टाइम तक ख़त्म हो चुका था और एरिया 51 को यूज़ किया जा रहा था। उस टाइम इस सीक्रेट बेस को एडवांस वेपन्स के डेवलपमेंट, टेस्टिंग और उनको सीक्रेटली बाहरी दुनिया से बचाकर रखने के लिए किया गया था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा था कि तभी कोल्ड वॉर के मिड में यूएस गवर्नमेंट ने इस बेस को बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया। उनका मोटिव था कि अब इस सीक्रेट बेस में ऐसे खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जाएं जो उनकी मिलिट्री पावर को पूरी दुनिया में कायम रखे। और ऐसे ही उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिप्यूटेड साइंटिस्ट अल्बर्ट वेस्टर्न ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका मोटिव था कि ह्यूमंस पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं जो उन्हें एक्सट्रीम लेवल पर ड्यूरेबल बना दे, जिनके घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, उन पर जहर का कोई असर ना हो और बिना थके खाए पिए कई दिनों तक लड़ सकें। इन शॉर्ट वो एक सुपर सोल्जर बनाना चाहते थे, जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से ये क्रेजी एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा था, डॉक्टर वेस्टर्न को खुद ही क्लियर नहीं था कि आखिर इस प्रोसेस में कितने अमाउंट में केमिकल सब्सटेंस एक ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे, किस तरह के चेंजेस बॉडी में हर स्टेज में देखने को मिलेंगे और आखिर कितने म्यूटिलेशन एक ही बॉडी में किए जाएंगे कि उनका सुपर सोल्जर बनाने का सपना पूरा हो सके। दैट्स वाई कोई भी अपनी बॉडी इस एक्सपेरिमेंट में देना नहीं चाहता था, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट अ सुसाइड। इसके लिए उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसकी ना कोई फैमिली हो ना फ्रेंड, और इस एक्सपेरिमेंट पर पूरा कॉन्फिडेंस रखे, जिसमें पहला ऑप्शन था कि वो जेल से प्रिजनर्स को ले सकते थे। पर वेस्टर्न को एक कम्प्लीटली हेल्दी, एक्सीलेंट फिजिक और नॉर्मल कंडीशन वाले इंसान की तलाश थी। तो कई दिनों सोचने के बाद फाइनली वेस्टर्न ने एक डिसीजन बनाया। एक कम्प्लीटली राइट पर्सन जो इस क्रेजी एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन सकता था, उसके लिए वेस्टर्न ने खुद की बेटी एबिगेल वेस्टर्न को चुना। एबिगेल एक यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जो अपने फादर की तरह ही एक दिन एरिया 51 की साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वेस्टर्न अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर साथ ही वो एक ऐसा जिद्दी इंसान था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था, फिर भले ही कीमत कुछ भी देनी पड़े। अगर उसे अमेरिका को बचाने के लिए खुद की डॉटर को एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना पड़े जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है, फिर भी वो उसकी डॉटर को यूज़ करता। डॉक्टर वेस्टर्न ने काफ़ी कोशिश की और एबिगेल को इस एक्सपेरिमेंट के लिए कन्विंस कर ही लिया, और फाइनली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ जिसे द एबिगेल प्रोजेक्ट नाम दिया गया। एबिगेल की बॉडी में कई सारी सर्जरीज और इम्प्लांट्स किए गए, उसकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स इंजेक्ट करके उनके टेस्ट किए गए, उसे म्यूटिलेट किया गया, ड्रग्स दिए गए और बहुत ही ब्रूटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा, और ये सारा प्रोसेस हर दिन होता था। पर आप हैरान रह जाओगे कि किसी ने भी नहीं देखा कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, एक ऐसा सुपर सोल्जर बनाने के लिए जैसा डॉक्टर वेस्टर्न को चाहिए था। कई दिनों लगातार टेस्ट करने के बाद फाइनली एबिगेल की बॉडी में अब चेंजेस दिखना स्टार्ट होते हैं। एबिगेल की बॉडी ड्रेस्टिकली चेंज होती है, उसकी बोन्स इनॉर्मस तरीके से ग्रो हो चुकी थी, उसकी स्किन इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी थी कि उसकी बॉडी में रिंकल्स पड़ने लगे थे, दांत किसी एनिमल की तरह बड़े हो गए थे, और साथ ही उसका बिहेवियर भी लेस ह्यूमन फ्रेंडली और एनिमलिस्टिक हो चुका था। डॉक्टर वेस्टर्न के कई कलीग साइंटिस्ट ने उनसे आर्ग्यू किया कि वो अब एबिगेल प्रोजेक्ट को बंद कर दें, क्योंकि ये अब ह्यूमन और साइंटिफिक लिमिट्स के बाहर हो चुका था। पर डॉक्टर वेस्टर्न ने ऐसा नहीं किया, वो अब इस एक्सपेरिमेंट को उसकी अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस तक ले जाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर वेस्टर्न अपनी बेटी से नफरत करते थे, उनकी बेटी उनकी लाइफ की सबसे प्रीसियस चीज़ थी, पर वो जानते थे कि अगर अब इस स्टेज में वो एक्सपेरिमेंट को बंद कर देंगे तो एबिगेल की इमीडिएटली डेथ हो जाएगी, क्योंकि एबिगेल की डिफॉर्म्ड बॉडी अब उन टेक्नोलॉजीज और कंडीशंस पर सर्वाइव करने के लिए डिपेंड हो चुकी थी जो केवल एरिया 51 के बेस में मौजूद थी।
जिस इंसान ने इस स्टोरी को लीक किया था उसने बताया था कि एरिया 51 के कुक्स को खाने की ह्यूज प्लेट्स प्रिपेयर करने का ऑर्डर आता था, जिन्हें वो एक स्लॉट के थ्रू एक ऐसे रूम में छोड़ देते थे जो कि एक स्टील के डोर से सील्ड था। उन्हें कभी भी नहीं पता चला कि आखिर उस रूम में था क्या। कुक्स का कहना था कि उन्होंने कई बार वेस्टर्न को उसी स्टील डोर के सामने खड़े होकर रोते हुए और उस क्रिएचर से बात करते देखा था। एक्चुअली वो क्रिएचर और कोई नहीं, एबिगेल वेस्टर्न ही थी, जो अपना कंट्रोल खोकर अब एक बीच बन चुकी थी। एबिगेल प्रोजेक्ट ऑफिशियली फेल हो चुका था और डॉक्टर वेस्टर्न को उनकी मिस्टेक रियलाइज हुई कि उन्होंने उनकी बिलव्ड डॉटर को लाइफ टाइम के लिए एक वाइल्ड और लीथल मॉन्स्टर बनाकर छोड़ दिया था, जो उन्हें केवल एक खाने के टुकड़े की तरह देखती थी। 1947 में डॉक्टर वेस्टर्न ने सुसाइड कमिट कर लिया, पर उससे पहले उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो एबिगेल को मारेंगे नहीं, वो ट्राई करेंगे कि एबिगेल नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सके, नहीं तो एटलीस्ट उसे जिंदा छोड़ देंगे। गवर्नमेंट इस फील्ड प्रोजेक्ट पर और ज़्यादा पैसे बर्बाद करना नहीं चाहती थी, पर डॉक्टर वेस्टर्न की रिस्पेक्ट में उन्होंने एबिगेल को डायरेक्टली नहीं मारा। उन्होंने एबिगेल के रूम में फूड और मेडिसिन की सारी सप्लाई को बंद करा दिया ताकि एबिगेल उस रूम में भूख और प्यास से खुद ही मर जाए, बट वो नहीं मरी। कई दिन हो चुके थे, एबिगेल अभी भी जिंदा थी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इस मॉन्स्टर को एक अलग एरिया में कंक्रीट और स्टील की दीवारों में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए ताकि ये यहाँ से कभी भाग ना सके। उस इंसिडेंट को आज कई साल हो चुके हैं, पर आज भी एरिया 51 के कई एम्प्लॉयज का कहना है कि उन्हें बेस के वेस्ट विंग से कई सारी हाउलिंग और स्क्रैचेस की आवाज़ें आती हैं। बट द क्वेश्चन इज हाउ एबिगेल सर्वाइव सो लॉन्ग विदाउट फूड एंड वाटर। तो देखो, डॉक्टर वेस्टर्न को जितना लगता था शायद वो उतना ज़्यादा फेल नहीं हुए थे। अगर वो एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते तो शायद वो एक ऐसा इनविंसिबल सोल्जर बना सकते थे जैसा उन्होंने सोचा था। पर जरा सोचो, अगर ये मॉन्स्टर भूख, प्यास, बुलेट, एक्सप्लोजिव किसी से भी नहीं मरता है तो आखिर कैसे मरेगा। और शायद कई सारे रीजंस में ये भी एक रीज़न है कि एरिया 51 आज इतना ज़्यादा शेल्टर्ड है, बिकॉज उन्हें नहीं पता है कि वो क्या है, उसे कैसे लड़ना है, और अगर किसी दिन वो भागने में कामयाब हो जाता है तो इंसान उससे कैसे बचेंगे। सो आपको एबिगेल प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।